तो हम जो है ना अपनी लोकेशन पे पहुंच गए, मतलब जहाँ पे हमारा इवेंट है आज वहाँ पे पहुंच गए। मैं यहाँ पर जो है ना ब्राइडल रूम में बैठी हुई हूँ और हमें जाना था शूट के लिए दूर थोड़ा सा, लेकिन हुआ यूँ कि जाते जाते मगरिब हो गई, मगरिब की अजानें हो रही थी, चारों तरफ पेड़ पेड़ हो रहे थे, तो इतना शूट कोई जो है ना खास नहीं हो सका, लेकिन पाँच छः शूट हो गए, मतलब पाँच छः पिक्चर्स बन गई, वीडियोज़ बन गई, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। एक तो इतने दूर गए और फिर ये सारा सीन हुआ ना। खैर उसके बाद जो है ना फिर हम लोग यहाँ पर आए और अभी थोड़ा सा ये ब्राइडल रूम जो है ना गर्म हो रहा है, वरना मेरी शादी में इतनी सर्दी हो रही है, मैं हम लोग क्या बताऊँ। मेरी बारात वाले दिन भी बहुत सर्दी थी और वलीमे वाले दिन तो उससे भी ज़्यादा सर्दी हो रही है, और उससे भी मज़े की बात कि हमारा घर इतना ठंडा है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि बस मैं क्या ही बताऊँ, ऐसी हवाएँ आती हैं। एनी वेज यहाँ पर जो है ना अभी मैं बैठी हुई हूँ और अपने दोस्त का वेट कर रही हूँ, और जो है वो मेरे लिए बड़ी मैंने बोला चलो मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ अपना, तो ये चूड़ियाँ पहन के बैठी हूँ। चलो भाई शादी भी जो है ना आज कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आने वाली जो वीडियो है ना अभी हम लोग, मैं अपनी फैमिली और अपनी दोस्तों का वेट कर रही हूँ, फैमिली तो थोड़ा लेट आएगी, फोटोग्राफर भी आएंगे अभी, तो जो है ना फिर उसके बाद शूट होगा। अभी मेरी आंखें ना लाल हो रही हैं, पता नहीं क्यों, मैं जब से तैयार होकर निकली हूँ ना मेरी आंखों में पता नहीं क्यों बस आंसू आ जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। घर गई, इन लॉज वालों ने नज़र भी उतारी, आयतर कुर्सी पड़ी भूखा लेकिन फिर भी आंसू आ रहे हैं। तो खैर अभी फ़िलहाल जो है ना बस इवेंट को इंजॉय करिएगा, व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी मेरी दोस्त आएगी फिर वो व्लॉग पूरा प्रॉपर तरीके से शूट करेगी, और ये मेरा चूड़ा चूड़ियाँ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, ये देखो इसमें ऐसे है और इसमें ऐसे है, इसकी जो दरअसल ये ऐसी थी एग्जैक्टली, लेकिन इसकी जो नीचे वाली छोटी वाली ना ये निकल गई थी, तो उसको जो है ना मेरी इन लॉ ने इसको ऐसे फिक्स कर दिया। फिर अभी चलते हैं, अभी हमारा इवेंट है, इसको इंजॉय करने अच्छे से। मेरी रिंग्स पहनी है काफ़ी सारी, ये देखा ये एक और आ गए फोटोग्राफर हमारे, पूरी टीम खड़ी है। तो आउटडोर शूट तो हुआ नहीं यहाँ पर, हम लोग फिर अपने वेन्यू पे पहुँच गए थे, मतलब बैंक्वेट में पहुँच गए थे, और यहाँ पे हमारा शूट शुरू हो चुका था, दोनों की टीम्स जो है ना यहाँ पर मौजूद थी ऑलरेडी, और अभी और लोगों ने आना था हमारी वीडियो और फोटोग्राफी करने के लिए, क्योंकि जो है ना मतलब ग्रूम और ब्राइड दोनों साइड की जो टीम थी वो आई थी। अच्छा होता यूँ कि ये लोग इतना ज़्यादा थका देते हैं ना कि जो आपने पोज मारा है वो दोनों टीम के लिए, फिर आप लोगों ने ना उनके लिए वेट पर खड़े रहना होता है, फिर बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है भाई, ये बड़े काम होते हैं। तो जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये गजरे बनवाए थे मेरी सूट की मैचिंग के, और ग्रीन वाइट मतलब ये जो है ना हमारे उस पर मैचिंग के बनाए थे इन्होंने, और उन्होंने अपने ही बनवाए थे, उनके भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे और मेरे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने प्यारे बनवाए थे। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो ये मैं आउटडोर शूट मतलब जो हमारा बैंक्वेट था ना उसके बाहर ही हमारा शूट चल रहा था, तो जब वो आई तो उन्होंने कहा कि गजरे पहन लो बहुत प्यारे लगेंगे पिक्चर्स में आएंगे, तो यहाँ पर वही पहना रही हूँ। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, ये गजरे पहनने के बाद और ज़्यादा सर्दी लगने लगी, लेकिन फिर फोटोग्राफर ने बोला कि नहीं नहीं आप पहनाओ आप पहनाओ अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाएंगी, तो यहाँ पर जो ना अब ये पहना रहे हैं मुझे गजरे और ये।
है 3-2-1 ना ऑलरेडी देखने एक दूसरे को भी आई कांटेक्ट कर लो तो मैंने अपनी दोस्त मुस्कान को भी फ़ोन कर दिया था कि मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, अब तुम भी आ जाओ। तो यहाँ पर ये आ गई है क्योंकि अपना फ़ोन वगैरह सब कुछ जो है ना मैं इसको अपना हैंड ओवर कर देती हूँ। तो इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया भाई, थैंक यू सो मच मुस्कान अगर तुम अभी वीडियो देख रही हो, क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी सारे इवेंट्स में बहुत ज़्यादा। और जितने भी शादी के अभी आप लोगों ने जितने भी मेरे व्लॉग्स देखे ना, वो मुस्कान ने ही शूट किए हैं और कुछ लायबा ने शूट करे हैं। तो मतलब इन दोनों की बदौलत जो है ना मेरी तकरीबन जो है ना वीडियोस अपलोड हुई हैं अभी आप लोग जो भी देख रहे हो। और ये मुस्कान का लुक है, ये भी देख लो साथ साथ में। अच्छा यहाँ पर जो है ना अभी मतलब हमारी फैमिलीज़ वगैरह कोई भी नहीं आया था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि हमारे शूट वगैरह होना था इसलिए हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे। और घर वालों को आना था तकरीबन 9 बजे और हम पहुँच चुके थे तकरीबन 6 या 7 बजे जो है ना यहाँ पर पहुँच चुके थे, ताकि जो है ना हर काम अच्छे से हो जाए। क्योंकि फिर फैमिलीज के साथ पिक्चर्स वगैरह बनवाओ ना तो फिर वो सेपरेट करते हैं या ऐसा होता है ना, तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो हम लोग जो है ना अपना शूट वूट करा के फारिग हो चुके थे, उसके बाद फैमिलीज लोग आए थे, फैमिलीज के साथ शूट हुआ, उनके साथ अच्छे से जो है ना पिक्चर्स वगैरह बनी। यही होता है वलीमे में, तो और क्या होता है, मतलब खाना पीना होता है, पिक्चर्स बनानी होती हैं, बाकी जो है ना मेन रस्में सारी बारात वाले दिन हो चुकी होती हैं, लाइक दूध पिलाई वाली, रास्ता रुकाई वाली और क्या क्या। तो यहाँ पर जो है ना बस सबके अलग अलग शूट चल रहे हैं। मतलब तो बारात के बाद ना एक दिन का गैप था और फिर उसके बाद जो है ना वलीमा था। आपको स्माइल बहुत प्यारी वाली करनी है, मैं कैमरा में देख रही हूं, ठीक है? माशाल्लाह शादी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी चली है। दरअसल यूँ के जो है ना पहले मिलाद हुआ, फिर 2 दिन का गैप आया, फिर ढोलकी हुई, फिर 2 दिन का गैप आया, फिर दूसरी ढोलकी हुई, फिर 1 दिन का गैप आया, फिर जो है ना हमारा निकाह, और निकाह के बाद हमारा 3 दिन का गैप था, फिर उसके बाद जो है ना माइयों थी, माइयों के बाद 4 दिन का गैप था, और फिर बारात, बारात के बाद 1 दिन का गैप था, फिर वलीमा था। तो इस तरीके से ना शादी माशाल्लाह काफ़ी लंबी चली, तो इसलिए जो है ना व्लॉग्स मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि कब से चल रहे हैं। और अभी जो है ना बस इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग जो होगा ना बस एंड होगा उसका। तो जो पिक्चर्स और वीडियोस जो बनी है ना अभी आप लोग ये शूट होते हुए देख रहे हो, मतलब बिहाइंड दी सीन भी आप लोगों में जो है ना मैं दिखा रही हूँ ये एक व्लॉग के ज़रिए। लेकिन जो है ना जब ये बनकर आ जाएंगी ना, अभी इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो है ना फोटोग्राफर इन लोगों से पूछने की भी कोशिश करी तो ये फ़ोन नहीं उठाते भाई, मतलब बड़ा इन लोगों का ना एक बिज़ी रूटीन होता होगा। तो खैर सभी अपनी ज़िंदगी में एक बिज़ी होते हैं, लेकिन जो है ना अभी जब आएँगी तब बनकर, तो पता नहीं कब तक आएँगी फ़िलहाल, लेकिन जब भी आएँगी तो मैं दिखाऊँगी ज़रूर। यहाँ पर जो है ना जो है
मेरी इन लॉज की तरफ से एक स्लीपर लेकर आई थी कि तुम बहुत ज़्यादा थक जाओगी हील्स पहन पहन के, तो इसको पहन लो अभी, रिलैक्स हो जाओ, फिर उसके बाद जब फैमिली वाले आए ना तो फिर हील पहन लेना दोबारा से। और अभी जो है ना ऐसी जो वैसे भी कौन सा नज़र आ रही है हील्स, तो इसलिए ना फिर मैं चप्पल्स मतलब चप्पल्स कह लो आप वो लेकर आई थी, कंफर्टेबल जो होती ना वो वाली। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना अब हमारा कपल शूट हो रहा है स्टेज के पास, क्योंकि स्टेज के पास हमारा कोई शूट नहीं हुआ था इसलिए, और फैमिलीज़ के आने से पहले पहले हम लोगों ने अपने शूट करके और फ्री होना था। तो सर बताऊँ तो मतलब ये है कि हाँ आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि अपने कंफर्टेबल जो है ना एक एक्स्ट्रा शूज़ या कोई चप्पल, अगर आपको कोई भी जो है ना कंफर्टेबल जो है ना वेयर करने को आप ले सकते हो रख सकते हो, क्योंकि आप शूट करते करते इतने ज़्यादा कोई थक जाते हो ना कि जब मैंने चप्पल पहनी ना तो मेरे दिल से दुआएँ निकल रही थी कि यार ये काम बहुत अच्छा किया वाकई में, मैं तो सुबह से हील्स पहन पहन कर ना थक गई हूँ पहनी हुई, और शूट में इतना ज़्यादा घुमाते हैं चलाते हैं तो इसलिए। तो यहाँ पर जो है ना फिर यह था कि मैं वैसे भी इतनी हील्स नज़र तो आ नहीं रही थी, तो हील्स का शौक़ तो मुझे बहुत ज़्यादा है, हील्स मैंने कभी भी अपनी हाइट की वजह से नहीं पहनी, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो हाइट दी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दी है। तो वलीमा लुक में आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आज का मेकअप ड्रेस हेयर स्टाइल सब कुछ कैसा लग रहा है, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। और दूसरा जो है ना मतलब ये पूरी हम लोगों ने जो थीम मतलब मेरे हस्बैंड ने थीम रखी थी पूरी, ये भी कैसे लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। दूसरा ये कि जो है ना मतलब आप लोगों ने पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए हुए थे कि ना जो है ना फेस थोड़ा हेल्दी लग रहा है और खुद भी हेल्थी लग रही हो, तो भाई दरअसल होता ही है कि जब मैं अपने हाथ में पकड़ के फ़ोन को जब वीडियो बना रही होती हूँ ना तो मेरा इस तरह से होता है, क्योंकि जब मुझे रियल में लोग मिलते हैं ना जो मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं अरे आप रियल में बहुत ज़्यादा दुबली और छोटी लगती हो, लेकिन अब जब कैमरा आप अपने हाथ में जब लेकर बनाते हो ना तो आपका फेस वाकई में जो है ना थोड़ा सा हेल्दी आ रहा होता है और आप खुद भी जो है ना इस तरीके से आ रहे होते हो, तो उसमें जो है ना आप कोई क्या करे बंदा जाहिर है। तो अब ये देखें दूर दूर से जो वीडियोस बन रही हैं इसमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ जब मैं अपने हाथ में जब कैमरा पकड़ती हूँ तो उसमें जब है वो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी आ रही हूँ, यहाँ तक कि कैमरा बहुत ज़्यादा करीब होता है क्योंकि हाथ दुख जाता है कैमरा पकड़ पकड़ के भी, और समझ सकते हैं वही जो मतलब इन चीज़ों का एक्सपीरियंस रखते हैं। यहाँ पर जो है ना अब लॉस की तरफ से कज़न्स वगैरह आना शुरू हो गए थे, अब जो है ना मेरी फैमिली नहीं आई थी अभी तक, अब उन लोगों का वेट भी कर रही थी कि ये लोग जल्दी से आ जाए, और ये लोग सब सलोन गए हुए थे तैयार होने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वलीमे का वीडियो भी इसमें ऐड करती लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो अभी जो है ना फैमिली सब लोग आएंगे फिर आगे का व्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ बाय।